हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग बड़े हो गए। आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में यूज़ कर सकते हो रिएक्ट जस्ट। हाँ दोस्तों, रिएक्ट जस्ट और आप सिंगल पेज एप्लीकेशन इजीली बना सकते हो। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा एक ऐप जिसका नाम है टर्मक्स। मेरी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे टर्मक्स को तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इसमें, और आप इजीली रिएक्ट जस्ट को भी यूज़ कर पाओगे और आपको इथिकल हैकिंग जैसे मतलब यार परफॉर्म भी कर सकते हो। मतलब इस टर्मक्स के मदद से ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा न्यू है और इसमें आपको बहुत सारे मतलब 600 प्लस कमांड्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें कमांड्स रन करने होंगे कुछ, तो चलिए हम लोग जानते हैं उस कमांड के बारे में। सबसे पहला कमांड है APT अपडेट। तो मिली जो जो कमांड रन करो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपको ये कमांड रन करना है। तो हम लोग APT अपडेट करेंगे और APT अपग्रेड करेंगे, एंटर पे क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस प्रोसेस को होने के लिए, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा देर। और यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड टू पैकेजेस और बहुत सारे मतलब यार जितना हमारे पैकेजेस लगेंगे हमें इंस्टॉल करने के लिए रिएक्ट जेएस और मतलब यार जितने भी टूल्स होंगे हमारे मतलब टर्मक्स के वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वाई पे क्लिक कर देना और एंटर पे क्लिक करना। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा मतलब अपडेट का प्रोसेस। तब तक हम लोग वेट करते और मैं आगे का प्रोसेस बता दूँ आपको स्किप करके। तो दोस्तों हमारे मतलब इस तरीके से आपको प्रोग्रेस का शो करेगा। तो यहाँ पे YINODZ लिखा होगा, तो आपको डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे वाई क्लिक करना है और एंटर कर देना। फिर उसके बाद फिर से पूछेगा, फिर से वाई क्लिक करना है, एंटर कर देना, फिर से वाई मतलब पूछेगा वैसे, फिर से वाई और एंटर पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपका अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट होने पे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर से वाई पे क्लिक करते हैं और ये हमारा प्रोग्रेस का यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्लियर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों हमारा सेकंड कमेंट यहाँ पे होगा APT। तो हमें यहाँ पे मतलब स्टोरेज का परमिशन देना होगा सबसे पहले, तो हम लोग दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है टर्मक्स डैश सेटअप और इसके बाद यहाँ पे डैश और STORAGE स्टोरेज। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा यस और नो, यस पे क्लिक करना है, एंटर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हमें फिर से एक कमांड रन करना होगा जो होगा PKG इंस्टॉल Node.js। और Node.js का बहुत काम आता है तभी ये मतलब यार आप इजीली यूज़ कर पाओगे। तो मेरे पास इंस्टॉल था इसलिए फास्ट इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद आपको कमांड रन करना होगा एक जो है npm, फिर उसके बाद आई लिखना है, फिर डैश जी और यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, एंटर पे क्लिक कर दे। तो यहाँ पे हमारा मतलब जो रिएक्ट ऐप है वो यहाँ पे मतलब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम लोग वेट करते हैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बता दो। तो दोस्तों मतलब यार ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 30 सेकंड लेगा। फिर उसके बाद हमें एक कमांड रन करना होगा जो कमांड है अगर मतलब यहाँ पे आपको फिर एक कमांड रन करना होगा npx, यहाँ पे आपको लिखना है फिर क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम देना है। जो भी आप अपने ऐप का ऐप का नाम रखोगे तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हनी ऐप और यहाँ पे हम लोग एंटर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको मतलब ये नाम का जो हनी ऐप है उसका मतलब आप जो भी नाम लिखोगे उसका ऐप का मतलब आपको नाम प्रोवाइड करके दे देगा रिएक्ट में। तब तक हम मतलब ये क्रिएट होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट लगेगा, तो आपको वेट करना है बस। फिर उसके बाद क्रिएट होकर आपको प्रोवाइड कर देगा रिएक्ट ऐप। अगर एरर शो होता है इस वक्त तो मैं आपको नीचे कमेंट बताऊँगा, वो कमांड आपको रन करना है अगर एरर शो होता है तो। अगर आप मतलब जब आप ये कमांड रन करोगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप हनी ऐप, मतलब यार जो भी आप नाम लिखोगे, मैंने तो हनी ऐप लिखा इसलिए बता रहा हूँ। अब हम लोग वेट करते हैं उसके बाद आगे का प्रोसेस बता दो। तो फाइनल दोस्तों मतलब यार अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट वेट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर आपको एरर शो होता है तो मैं आपको बता दूँ, ये कमांड आपको रन करना है npm, यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टॉल, उसके बाद आपको देना है डैश जी और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है npm लिखना है और @ और 6 लिखना है, फिर उसके बाद एंटर पे क्लिक करना है। अगर आप ये कमांड रन करोगे तो मतलब अगर आपका एरर शो होगा तो फिर ये एरर हट जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से वही कमांड रन करना जो हमने इससे पहले कमांड रन किया था जो था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आपका मतलब ऐप का नाम। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ls क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा हनी ऐप आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे मूव करेंगे हनी ऐप को, मैंने मतलब यार पहले स्टोरेज में नहीं पुट किया था तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो हम लोग ने मूव कर दिया हनी ऐप को। तो आपको क्या करना है सबसे पहले बता दूँ, तो स्टोरेज के अंदर ही हनी ऐप मतलब यार जो भी आप ऐप क्रिएट करोगे ना तो उसको स्टोरेज के अंदर क्रिएट करना। तो स्टोरेज के अंदर क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आप मतलब npm i DOS ये जो कमांड रन करोगे ना ये वाला मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है npm i DOS create a react app,
तो मतलब यार वो इस ये स्टोरेज के अंदर कर देना, नहीं तो फिर आप ये कमांड रन करके मूव भी कर सकते हो स्टोरेज के अंदर। अगर आप मतलब स्टोरेज के अंदर हो तो सबसे पहले स्टोरेज का परमिशन दे देना, तब आपको ये स्टोरेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एलएस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे स्टोरेज दिख रहा है। अभी स्टोरेज के अंदर आपको सीडी करके स्टोरेज के अंदर जाना है। फिर उसके बाद ये जो कमांड मैंने रन किया यहाँ से npm IDSG create react app, तो ये कमेंट्स मतलब यहाँ पे रन करना स्टोरेज के अंदर रह के। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमने तो मूव कर दिया हनी ऐप को, ये जो हनी ऐप वाला फोल्डर था इसको हमने स्टोरेज के अंदर मूव कर दिया। मतलब यार ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड है जो आपको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने को क्लियर लगा देंगे। तो मैंने आपको मतलब समझा दिया कि हनी ऐप को अगर आप स्टोरेज के मतलब यार साथ में, यहाँ पे स्टोरेज एक डायरेक्टरी और हनी ऐप एक डायरेक्टरी है, तो हनी ऐप को हमने मूव कर दिया ये कमेंट रन करके। अगर आपने बाहर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये कमेंट रन करना है। फिर ये कमांड रन करने के बाद एम मतलब यार एमवी मतलब मूव हनी ऐप टू स्टोरेज, तो ये हमारा मूव हो चुका है। देख सकते हो एलएस पे क्लिक करने के बाद मतलब यार जैसे मैंने एलएस कमांड रन किया तो स्टोरेज ही था, और हम लोग अभी स्टोरेज के अंदर एलएस कर क्लिक करते तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा हनी ऐप स्टोरेज के अंदर आ चुका है। नहीं तो आप फिर से जो कमांड मैंने बताया था तो कमांड को स्टोरेज के अंदर आके, स्टोरेज के अंदर जाने के लिए आपको सीडी स्टोरेज कमांड रन करना होता है। तो चलिए हम लोग अभी हनी ऐप को ओपन करते, तो इसके लिए हमें कमांड रन करना है सीडी हनी ऐप, एंटर पे क्लिक करते। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, npm start कमेंट रन करना है। npm start कमेंट रन करोगे तो आपको मतलब यार एक रूट लोकल होस्ट 3000 पे आपको मतलब यार अपने रिएक्ट ऐप देखने को मिल जाएगी, जो आपके मतलब यार सिंगल पेज ऐप बना सकते हो। अब इसे कोड को मतलब यार एडिट कैसे करना है, वैसे तो आप एडिट नहीं कर पाओगे फाइल मैनेजर में, मतलब यार ये टर्मक्स आपको अपने नॉर्मल फाइल मैनेजर में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे एडिट करना है। उसके लिए आपको मतलब यार ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप ऐप को डाउनलोड कर देना। तो हम लोग यहाँ पे ओपन लिंक विद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो क्रोम से कर देते ऑलवेज ओपन करते हैं। तो कहाँ गया यार, तो शायद से हट चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्रोम में आना है, वहाँ से भी ओपन हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। कोई यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट, और आपको यहाँ पे लिखना है 3000, रन करते हैं। रूट लोकल होस्ट 3000 पे हमारा मतलब है जो भी ऐप है ना तो वो बनेगा। तो ये थोड़ा नेटवर्क का इशू है क्या शायद से, तुम लोग ये नेटवर्क का थोड़ा ये करते, ये नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो हम लोग वेट करेंगे। और हमें रूट लोकल होस्ट में यहाँ पे ओपन करना है, तो हम लोग फिर से ओपन करते हैं लोकल होस्ट, तो यहाँ पे लोकल लोकल होस्ट 300 हमारी रिएक्ट ऐप ये रही। तो इस तरीके से आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो हमने एरोप्लेन मोड में किया है, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपका रिएक्ट ऐप आपको शो हो जाएगा रूट लोकल होस्ट 3000 पे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐप है मतलब यार जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी, एक कोड एडिटर, इसमें मैं मतलब यार अपने रिएक्ट ऐप का कोड लिखता हूँ और इजीली एडिट कर देता हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसे अलाउ का परमिशन आपको प्रोवाइड कर देना है, तो मैं दे देता हूँ। अब अलाउ करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक ब्रश। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे थ्री डॉट्स आपको देखने को मिलने हैं, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड, ये आपके मतलब यार फाइल के स्टोरेज है, स्टोरेज मैनेजर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस पे आपको क्लिक करना है टॉप में, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड पाथ, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको फोल्डर का नेम देना है, तो सबसे पहले फोल्डर का नेम दे देते हैं। तो हमने नाम क्या रखा था, हनी ऐप, और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइंस दिख रहे होंगे, नेविगेशन बटन उस पर टैप करना है, टर्मक्स पे क्लिक करना है, इस पर जाने के बाद आपको दिखेगा स्टोरेज जो आपके टर्मक्स में था वैसा ही दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको मतलब यार जो भी आपने नाम दिया था अपने ऐप का वो आपको देखना है और उस पर क्लिक करना है। तो मैंने दिया था अपना हनी ऐप, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूज़ दिस फोल्डर नीचे ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करना है, लॉग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा हनी ऐप यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देख सकते हो ये डायरेक्टरी में, इस पर क्लिक करते हैं
और हमारा जो भी कोड होता है, तो मेनली आपका ये रिएक्ट का ये मतलब है, जितना भी आपको दिख रहा है ये सभी चीज़ मिलकर आपकी एक रिएक्ट ऐप बनी है। मतलब यार जो आपने रूट लोकल होस्ट में देखा तो ये सभी के मदद से बनी है, लेकिन मेनली हमें कोड लिखना होता है SRC में। तो हम लोग SRC में जाते हैं। SRC में जाने के बाद यहाँ पर index.js ये सबसे मेन है। अगर आपको रिएक्ट आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो मैं कोर्स बनाऊंगा, बाद में आपको बता दूंगा कैसे करते हैं रिएक्ट को यूज़। अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे index.js में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मतलब यार एक न्यू डायरेक्टरी बना के आपको मतलब यार इम्पोर्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं न्यू फाइल, जिसका नाम दे देते हैं honey.js। तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना दी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन रन करेंगे, फंक्शन हनी। और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे एक टैग। तो यहाँ पे हम लोग एक टैग रिटर्न करेंगे बस, वन या फिर एक बटन रिटर्न कर देते हैं। ये मतलब यार JSX है जो HTML और JavaScript क्यों मतलब एक साथ में इन्वॉल्व करके दे दे। तो JSX का मतलब होता है यार JavaScript XML। तो अब हम लोग इसे क्लोज करते हैं बटन, और यहाँ पे हमें रिटर्न के जब क्लोज करते हैं। अब यहाँ से हमें करना है एक्सपोर्ट, लोग कर देते एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यार ये मतलब यार रिएक्ट है तो आपको नहीं समझेगा, आता होगा तो ठीक ही बात है, एंड्रॉयड में मतलब यार आप लर्न कर सकते हो। अब हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे आना है, फाइल्स में जाते हैं, और हमें अब यहाँ पे जाने के बाद इधर index.js में इसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या लिखा था, इंपोर्ट हनी फ्रॉम, यार ये कैपिटल चाहिए था तो मिलिए हम लोग इसे कैपिटल कर देते। वहाँ पे जाके मैं चेंज कर लूँगा honey.js में हनी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हनी को इंपोर्ट किया और ये पाथ दे देते हैं, हमें खासी इंपोर्ट किया honey.js से, और लिख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारा हनी, तो यहाँ पे स्लैश हनी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप कोई कोड एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको सेव करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेव कर देते हैं। अब ओपन करेंगे, हमारा रूट लोकल होस्ट सेव हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है शायद से। हम लोग एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर कैन रिजॉल्व honey.js, तो हमें शायद से ये एरर शो कर रहा है honey.js डॉट डिड यू मीन हनी, अरे यार हमने .slash नहीं दिया था, और तो सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी एक, तो ये .slash देना ज़रूरी रहता है यार रिएक्ट है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं हमारे, तो हमने वहाँ से पास किया और बटन कहाँ गया, लेकिन क्या ये पूरा ही बटन है, शायद से ये पूरा ही बटन की जगह पे आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे honey.js में से एक पैराग्राफ ही पास करेंगे, क्योंकि वो पूरा बटन ही आ गया। पैराग्राफ के अंदर हमने हेलो पास किया, अब देखते हैं रन करिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एट लास्ट टॉप में आपको देखने को मिल रहा है, हमारा हेलो लिख कर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना रिएक्ट ऐप बना सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरीके से मतलब यार पूरा प्रोसेस बता दियो, कोड एडिटर किसमें आपको कोड करना है, मतलब कोडिंग करना है अपनी मतलब रिएक्ट का जो भी आप प्रोसेस करोगे, और मतलब रूट लोकल होस्ट में कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में रिएक्ट ऐप को डेवलप कर सकते हो सिंगल पेज एप्लीकेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जी।